अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग हमारा कुछ ऐसे है कि हमें जो वीडियोस बनाने के लिए इश्यूज आता था सबसे ज्यादा, वो था माइक का इशू। अक्सर जब हम कोई फनी वीडियो या कुछ भी ऐसा क्रिएट करने के लिए बनाते थे जिसके अंदर थोड़ा कैमरा जो हमारे से दूर होता था ना, तो हमारी आवाज़ें वगैरह जो है रिकॉर्ड उसके अंदर सही से नहीं होती थी। तो हमने सोचा चले उसके लिए एक माइक लिए, जो थोड़ा सा खर्चा जेब से किया जाए। अर्निंग तो जब होगी होगी आपकी सपोर्ट से, इंशाल्लाह। जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे चैनल को और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारी अर्निंग वाला देखो सीन होने वाला है, क्योंकि हमें सबसे पहले चाहिए चैनल को मोनेटाइज करना है। तो चैनल को मोनेटाइज करने के लिए हमें आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। तो उसके लिए हमने छोटा सा खर्चा किया अपनी जेब से, चलिए आपको दिखाते हैं। हमने उसके लिए ये यहाँ पे माइक लिए थे। इसके अंदर ना दो माइक दिए हुए हैं, ये मेड इन चाइना है, M89 इसका जो मॉडल है। ये वायरलेस माइक्रोफोन है, ठीक है। और इसके अंदर जो है मेन चीज ये टाइप सी और फॉर आईफोन जो है, ये दोनों चीजों के लिए, आईफोन के लिए इसके अंदर अलग अलग से केबल दी हुई है और ये टाइप सी भी है, तो दोनों इसके अंदर कन्वर्टर लगे हुए हैं। और ये 1 to 2 है, पर इसके अंदर मतलब एक ट्रांसमीटर और दो माइक्रोफोन आ जाएंगे। और बाकी इसकी जो डिटेल्स इसके सामने आपके सामने, ये स्मार्ट नॉइज कैंसिलेशन इसके अंदर जो मेन चीज़ है, हम जो शोर वगैरह होते हैं ना, अगर सर हम बाइक पे भी फिर रहे हो तो हम इजीली आवाज़ वगैरह जिसके सही से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जो हमारे जो पीछे बाइक वगैरह का या गाड़ियों का जो शोर होगा वो भी खत्म हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ की जरूरत तो काफी ज्यादा, तो हमने कहा चले पहले से लेते हैं। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं इसका यूज किस तरह करना है और ये हमारे किस तरह हमारी हेल्प करेगा ये। तो यहाँ इसका हम ओपन करते हैं, इसको ओपन करो, इसको ओपन करो। तो इसके अंदर दो माइक है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर आपको ये चीज नजर आएगी, यहाँ से ऑन होगा, इसको जब प्रेस करके हम रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। सेकंड, इसके अंदर ऑप्शन चेंज करने के लिए एक बटन होता है। इसका स्पीकर है आगे से आवाज वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए, अभी आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे ऑन हो गया है। अभी यहाँ जो ये स्पीकर पे रखा हुआ है ना, इसके अंदर ये शोर और मेरी जो आवाज होगी दोनों रिकॉर्ड करेगा। सेकंड ऑप्शन जब है, अब हम सेकंड ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे जो बाहर का जितना भी शोर होगा वो सारा कैंसिल करेगा, सिर्फ मेरी आवाज रिकॉर्ड करेगा। और इसके अंदर आगे ये थर्ड ऑप्शन है, ये रिवर्ब के लिए होता है। इसका खासा मुझे भी समझ में नहीं आई कि इसका जो यूज किस तरह का है, बाकी इसकी डिटेल अभी देखेंगे इंस्ट्रक्शन के अंदर जो उन्होंने बताया हुआ। यहाँ पे वॉल्यूम लो और हाई के लिए उन्होंने अलग से ऑप्शन दिया हुआ है, और इसी के साथ ही ये दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने। इसके अंदर भी सेम वही चीज़ें सारी, और ये चार्जिंग के लिए यहाँ पे उसके अंदर भी इनको अलग अलग से चार्ज करना है। तकरीबन इनकी जो चार्जिंग का जो टाइम लिमिट है वो इन्होंने कहा कि 1.5 जो आवर्स के अंदर ना, 1.5 घंटे के अंदर चार्ज करना है। और ये तकरीबन 11 घंटे इसकी कैपेसिटी है माइक्रोफोन की, 11 घंटे कंटिन्यूसली ये चल सके, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब इसके अंदर आगे आ जाती है ये चीज़, ये ट्रांसमीटर आता है जो कि मोबाइल के अंदर लगेगा, इसको लगाओ मोबाइल के अंदर। अब ये टाइप सी के लिए, एक मोबाइल में टाइप सी है, ये कनेक्ट हो गया इसके साथ, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। और दूसरा मेरे पास जैसे आईफोन जिसपे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो है। तो इन चीज़ों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी, ठीक है। तो मैंने कहा चले ये लाजमी है इसके, क्योंकि हमें अक्सर जो बाइक पे हम होते हैं या मार्केट के अंदर कहीं पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा शोर होता है। तो मैंने कहा चले ये लाजमी है, तो इसको पहले सबसे पहले लिया जाए ताकि हमारी अच्छी सच्ची वीडियोज हम अपने सब्सक्राइबर को जो है दिखा सके। अच्छा, मैंने ये चीज़ ली है क्योंकि मैंने लिया, मुझे चाहिए आईफोन के लिए, क्योंकि आईफोन के लिए मुझे जरूरत है, क्योंकि मैं अपनी जो वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ वो आईफोन पे होती है। तो उसके लिए अभी उन्होंने अलग से एक जैक दिया हुआ है, यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। इसको लगाओ कनेक्टर, इसको निकालो वहाँ से टाइप सी इसके पीछे लगाओ, ये इसके अंदर ये लग गया है। अब हम इसको ना आईफोन के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, जो मेरा मोबाइल जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके अंदर भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लगेगा, और दूसरे जो दोनों माइक्रोफोन है ये हम ऑन करके यहाँ पर लगा सकते हैं, और यहाँ इसके हम इजिली आवाज वगैरह जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये हमें बहुत बेनिफिट देगा यकीन करें। इसके अंदर ये मेन चीज़ जो यूज होती है ना, ये लाइव शो के अंदर होता है, इंटरव्यू वगैरह के लिए यूज होता है। अच्छा, व्लॉग शॉट जो हम व्लॉगिंग वगैरह जो हमने अपने काम के लिए लिया है वो था व्लॉगिंग के लिए, और ये काफ़ी अच्छी प्राइस में हमें मिली गया। हमने कुछ ज़्यादा हैवी तो नहीं लिया, नॉर्मल अपने रेंज के हिसाब से लिया है, तो पैसों के हिसाब से चीज़ हमें अच्छी मिल गई है। इसका यूज़ भी हमने आज अच्छे से किया है। जो टिकटॉक आईडी है मेरी nanovlog75, आप उसमें देखेंगे हमने एक वीडियो आज फनी एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग की है इसने उस वीडियो के अंदर भी।
तो ये जो माइक आज हमने लिया था अपने जो वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए, व्लॉगिंग के लिए, तो ये सब हमने आपके लिए किया है ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दिखा सकें और अपने व्लॉग को अच्छे से अच्छा बेहतर बना सकें, ताकि लोगों को हमारी वीडियोस और व्लॉग वगैरह बनाए हुए लोगों को पसंद भी आए। तो जो एक जो मुझे चीज तकलीफ देती है वो ये है कि मेरे सब्सक्राइबर जो है नहीं बढ़ रहे, वॉच टाइम भी कोई खासा बेहतर नहीं मिल रहा। तो उसके लिए रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को देखें, ताकि हमारा वॉच टाइम जल्दी से पूरा और सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह हमारा वॉच टाइम पूरा होगा तो हमारा चैनल भी मोनेटाइज होगा इंशाल्लाह। बहुत जल्द इंशाल्लाह अपना चैनल मोनेटाइज करेंगे और मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ जो है बनाते रहेंगे।